हाँ, देखिए इधर यहां दो लेंसेस हैं और दोनों को आपस में हाँ ऐसे कांटेक्ट करा के रखा गया है इसका फोकल लेंथ है एफ वन उसका फोकल लेंथ है एफ टू ठीक है हमको यह पता करना है कि अगर हम इन दोनों की जगह पे कोई एक ही लेंस ला के रखें तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये हमको पता करना है ठीक है तो सबसे पहले <coughs> मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसमें से एक रे ऑफ लाइट निकल के ऐसे जाएगा ना तो ये कन्वर्जिंग लेंस है इसका काम है कि इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ घुमाए गई ठीक है तो प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ घुमा के मान लो कि उसने इसको हा इतना घुमाया <coughs> अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधा यहां जाता कि नहीं और इसका जो इमेज है वो यहां पर बनता कि नहीं अरे बोलो लेकिन ये फाइनल इमेज होगा तो नहीं ना क्योंकि ये अगर नहीं होता तब ना ये सीधा जाके यहां मिलता तो इसको हम फाइनल इमेज नहीं बोलते हैं लेकिन हम इसको कुछ ऐसे ही आई डेस कह देते हैं चाहे आई वन कह देते हैं क्या कह देते हैं आई वन कह देते हैं अब आप जानते हैं कि ये वाला लेंस जो है ये भी तो कन्वर्ज करेगा इसका काम होता है प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देना तो सीधा ना जाके ये थोड़ा और मोड़ेगा और फाइनली जो दोनों से रिफ्रैक्ट होकर रे प्रिंसिपल एक्सिस तक पहुंचेगा उस वो यहां पहुंचेगा क्लियर है और यही होगा हमारा फाइनल इमेज और इसी को हम लोग बोलेंगे आई क्लियर है तो कहने का मतलब है 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 सिस्टम के लिए ऑब्जेक्ट और ये है इमेज ठीक है यह इमेज बनते बनते रह गया है अगर यह नहीं होता तो यहां इमेज बनता है इसके आ जाने से यहां इमेज बना है आप जानते हैं कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखे तो उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही ना कहा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से ये ना फाइनल इमेज है इस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा We बोला जाएगा। चलिए हम इसको भी कुछ नाम दे देते हैं तो इसको हो गया ना इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं आ, कुछ हम लोग इसको भी वन कह देते हैं अरे क्या कह देते हैं भीवन कह देते हैं अब हमको दोनों लेंस के लिए लेंस खाली लिख देना है लेंस फार्मूला जो कि होता है U F, वो हमको लिख देना है तो सबसे पहले ये बताइए इस वाले लेंस के लिए B, B का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस तो इस लेंस का इमेज कहां बना है इस लेंस से पूछोगे कि तुमने इमेज कहां बनाया है तो ये कहां बताएगा तो आप देखिए ना इसका रिफ्रैक्टेड रे यही ना है रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन यहाँ ना हुआ है और रिफ्रैक्टेड रे के इंटरसेक्शन को इमेज बोला जाता है तो इस लेंस का इमेज तो यही ना है यानी इस लेंस के लिए जो भी होगा वो क्या होगा? होगा। तो की पे हम लिखेंगे बोलिए वन अपॉन वी वन लिखेंगे, लिखेंगे। हालांकि सुनिए एक मिनट साइन कब कंसीडर किया जाता है ध्यान से सुनिए जब हम लोग पी e एफ इन सब की जगह पे जब यू भी आर एफ ये सब पुट करते हैं तो साइन कंसीडर करते हैं इवन हम लोगों ने किया भी है या फिर जब हम लोग यू भी एफ आर की जगह पे अगर पीओ पी सी समझ रहे हो चाहे पी एफ ये सब पुट करते हैं तो हम फिर से साइन कंसीडर करते हैं अरे बोलो ना yes, हाँ अदरवाइज साइन कंसीडर करने की जरूरत yes. हम यहां पर ना हम यहां पर डायरेक्ट लेंस फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम किसी जगह पे कुछ पुट नहीं करने जा रहे हैं बोलिए हम ये नहीं लिखने जा रहे हैं कि जो आपका इमेज है वो पी आई वन है ऐसा नहीं लिखने जा रहे हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे वी वन लिखेंगे उसके बाद माइनस वन अपन यू ना लिखोगे तो u की जगह u लिखा जाए कि माइनस यू लिखा जाए क्या लिखा जाए u की माइनस यू तो बाबू सिर्फ u लिखा जाएगा क्योंकि हम पुट नहीं कर रहे हैं u की जगह पे हम पीओ नहीं लिखने जा रहे हैं मैं बस इसके लिए क्या लिख रहा हूं लेंस फॉर्मूला लिख रहा हूं तो फार्मूला एज इट इज क्योंकि बाबू ये जब फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना अरे यार तो उस समय हमने साइन कंसीडर करके डिराइव किया है तो अभी दोबारा साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है सही है सिर्फ हम लेंस फॉर्मूला लिख रहे हैं और यहां पर तो इस लेंस के लिए जो एफ है वो एफ वन हो जाएगा तो आप यहां एफ वन लिख लीजिए आप इसको इक्वेशन नंबर वन कह दीजिए अब आइए हम इस लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला एज इट इज लिखेंगे यानी वन अपॉन भी अब आप बता दीजिए इस लेंस का इमेज कहाँ बना है यही ना बना है तो इसको तो हम भी से ही ना दिखाएंगे तो वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू बताइए इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है तो ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट इस लेंस के लिए इंसिडेंट रे ये वाला ना रे है तो ये वाले रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ना है तो ये जो I1 है वो इस लेंस के लिए किसका काम करेगा ऑब्जेक्ट का I1 एक साथ दो रोल प्ले कर रहा है इस वाले लेंस के लिए I1 इमेज है लेकिन इस वाले लेंस के लिए I1 ऑब्जेक्ट होगा तो U की जगह पे क्या लिखा जाएगा V1 लिखा जाएगा तो आप यहाँ पे रख दीजिए V1 अब बराबर वन अपॉन एफ टू दोनों लेंस के लिए मैंने एज इट इज लेंस फॉर्मूला खाली लिखा है अरे बोलिए हाँ बाकी कुछ नहीं दोनों इक्वेशंस को आप सीधा सीधा जोड़ दीजिए तो वन अपॉन भी वन प्लस में वन अपन भी वन माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां मिलेगा वन अपॉन भी माइनस वन अपॉन यू इज इक्व टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू ठीक है इसको भी इक्वेशन नंबर थ्री कह दीजिए अब करना यह है इन दोनों को हटा के इसकी जगह पर कोई एक ही लेंस ला के रखना है क्या करना है इन दोनों को हटा के इनकी जगह पर हमको सिर्फ एक ही लेंस ला के रखना है कुछ इस तरीके से कि इन दोनों ने मिल के ना यू डिस्टेंस पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का इमेज वी डिस्टेंस पर बनाया है वो अकेला ही वो अकेला ही यू डिस्टेंस पर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का इमेज V डिस्टेंस पर अगर बना दे तो क्या इस अकेले लेंस को इन दोनों लेंसेस का इक्विवेलेंट नहीं कहा जाएगा नहीं समझ में आया अरे यार ये दोनों मिलके कर क्या रहे हैं यहां से U डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट था उसका इमेज उन्होंने कहा बना दिया मिलके के कहां बना दिया भीवन पे बना दिया अरे भी पे ना बना दिया ये काम कोई अकेला लेंस अगर कर दे हम बोलेंगे कि ये वाला जो लेंस है वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है और उसके फोकल लेंथ को हम लोग एफ इक्विवेलेंट से दिखा देंगे अब इसके हिसाब से बताइए तो हम लोग क्या लिखें? वन अपॉन वन अपॉन भी तो ठीक है भी माइनस वन अपॉन यू मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं इसीलिए मैं साइन कंसीडर नहीं कर रहा हूं अभी मैंने कुछ पुट किया नहीं है ठीक है बराबर वन अपॉन क्या एफ इक्वी ना इसको इक्वेशन नंबर क्या कहा जाए फोर कहा जाए बोलिए जल्दी तो आप थोड़ा सा <coughs> आप थोड़ा सा इक्वेशन नंबर तीन और इक्वेशन नंबर चार को देखिए क्या दोनों का एल बराबर है वन बाई भी माइनस वन बाई यू और इसके भी एल एच एस में वन बाई भी माइनस वन अपॉन यू तो आर एच एस भी तो बराबर होगा तो इसका आर एच एस है वन अपॉन एफ इक्वी और इसका आरएचएस है So हो जाएगा? PQ. नहीं हो जाएगा. अरे वन अपन लेंथ पावर होता है ही तो हम लोग देख रहे थे हैं? तो इक्वी वैलेंट फोकल लेंथ का उल्टा इक्वी वैलेंट पावर ही ना होगा क्या बात है वन अपन एफ वन क्या होगा पी वन होगा वन अपन एफ टू क्या होगा पी टू होगा ना इसका पावर अगर हम लोग पी वन कह दें इसका पावर क्या कह दें p2 कह दें तो इक्वी वैलेंट पावर अगर आपको निकालना हो तो उसके लिए आपको दोनों को सीधा सीधा जोड़ना पड़ेगा तो पावर का कॉन्सेप्ट तो बड़ा आसान है आप दोनों पावर्स को सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो आपको इक्वी वैलेंट पावर मिल जाएगा लेकिन अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए इक्वी वैलेंट फोकल लेंथ चाहिए तो क्या करना होता है दोनों को पलट पलट के जोड़ना होता है तो इससे जो आपको जो आपको मिलेगा वो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का उल्टा मिलेगा रेसिप्रोकल मिलेगा ठीक है क्लियर है देख लीजिए आपकी किताब में लिखा हुआ है ये सब <coughs> <small of sound> हो गया बोलो अच्छा एक और बात बताओ मान लो कि और शांत हो जाए ना और भी लेंसेस होती है अगर ये ये मान लीजिए कि इसका है एफ वन इसका क्या है एफ टू जरूरी थोड़े है कि खाली कॉन्वेक्स लेंस ही होगा कॉनकेव भी हो सकता है इसका फोकल लेंस क्या है एफ थ्री ना कोई ऐसा भी हो जाए लेकिन सब एकदम सटा के रखना पड़ेगा आपको ये हो जाए एफ फोर कोई मान लो कि उसी में ये वाला भी हो जाए इसका मान लीजिए एफ फाइव तो बताओ ना तो इस केस में वन अपन एफ इक्वाल निकालना होगा तो कैसे निकालोगे तो वन अपन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू प्लस वन अपॉन बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि इसमें कौन पॉजिटिव और कौन हाँ जो जिस साइन के साथ होगा वो साइन के साथ पुट करिएगा वन अपॉन क्या बताइए एफ फोर प्लस वन अपॉन एफ फाइव एंड सो वन इस तरीके से चलता रहेगा अगर इसका पावर हम लोग पी वन ले इसका पावर पी टू इसका पी थ्री फोर इसका क्या पी फाइव तो बताइए पी इक्वी वैलेंट कितना होगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव एंड आगे भी होगा तो ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे क्लियर है चलिए तो आ, कुछ क्वेश्चन जो हम लोग पीछे छोड़ आए थे जो गलती से नहीं आ गया था हाँ ये वाला देखिए टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेस हैं और फोकल लेंथ कितना पंद्रह सेंटीमीटर एंड थर्टी सेंटीमीटर एफ वन और एफ टू दे दिया और आपसे पूछ रहा है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन दस डायोप्टर आ रहा है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है हो गया चलो ठीक है तो सुनो क्या सीखा है तुम लोगों ने वन अपॉन एफ इक्वेल्टी जगह क्या वन अपॉन एफ वन प्लस अब तुम बताओ वन अपॉन एफ इक्वी वैलेंट का ही ना मतलब हुआ इक्वी वैलेंट पावर यही लिखा हुआ है पी इक्वी वैलेंट तो क्या लिखोगे वन अपॉन पंद्रह सेंटीमीटर प्लस वन अपॉन थर्टी सेंटीमीटर ना अब तुम बताओ न अपन पंद्रह तो पंद्रह रहेगा इस सेंटी का मतलब टेन टू दी पावर माइनस टू ऊपर जाके क्या बन जाएगा अरे ऊपर जाके क्या बनेगा टेन टू दावर टू यानी कि हंड्रेड वन अपॉन मीटर को क्या कहा जाता है डायोप्टर कहा जाता है प्लस चलिए वन अपॉन थर्टी तो ऐसे ही रहेगा ये सेंटी का मतलब क्या होता है टेन टू दावर माइनस टू ऊपर जाके टेन टू दावर टू का मतलब क्या हंड्रेड बनेगा और वन अपॉन मीटर का मतलब होता है डायोप्टर अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बताइए पी इक्वी वैलेंट हो जाएगा LCM कितना हो गया? 30 हो गया, नहीं हो गया आई हो गया, दो सौ हो गया सौ तो मिला जुला के कितना तीन सौ डायोप्टर का मतलब कितना हो गया दस डायोप्टर ऐसा कोई ऑप्शन थोड़े है क्योंकि ये तो अरे बिना ऑप्शन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दो नंबर का ये कुछ समझ में नहीं आया तुम लोग आया है समझ में बोलो किसी को दोबारा समझना हुई हम्म क्या बोल रहे हो साड़ी कौन है, है? चलो ठीक है तो ये दस डायरेक्टर हो जाएगा पावर ऑफ द लेंस ये सब तो हम लोग देख लिए थे ना ये सब हम लोग देख लिए थे ठीक है आगे बढ़ते हैं ठीक है चलिए ये देखते हैं हम लोग इसका क्या आंसर आएगा अरे P1 और P2 दे दिया है तो P1 कितना दिया है माइनस पंद्रह डायप्टर P2 कितना दिया है पांच डायोप्टर और तुमको क्या बताना है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बताना है तो पहले हम लोग पी इक्विवेलेंट तो निकाल पी P इक्विवेलेंट कितना होगा माइनस पंद्रह प्लस का मतलब माइनस दस डायप्टर ये हो जाएगा पी इक्वी वैलेंट है कि नहीं और पी इक्विवेलेंट वैलेंट का मतलब होगा अपॉन एफ इक्वी यही ना होगा तो बराबर हो जाएगा माइनस दस डायोप्टर और डायोप्टर का मतलब होता है वन अपॉन मीटर डायोप्टर का मतलब क्या होता है वन अपॉन मीटर हमको पी क्यू वैलेंट चाहिए तो पलट लीजिए तो सॉरी एफ इक्वी वैलेंट चाहिए पलट लीजिए तो एफ इक्वी वैलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपन दस ऊपर में ना मीटर जाएगा वन अपॉन दस का मतलब जीरो पॉइंट वन तो ये हो जाएगा माइनस जीरो पॉइंट वन मीटर कहिए अच्छा माइनस दस सेंटीमीटर कहिए बात बराबर है तो कहने का मतलब है कि एफ इक्वी वैलेंट कितना आ जाएगा माइनस दस सेंटीमीटर दोबारा अरे ये दोबारा समझना है चलो ठीक है ये बोल रहा है अच्छा ये क्वेश्चन अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि यहाँ दो लेंसेस के बीच में ना कुछ डिस्टेंस भी दिया है कितना दिया है हाँ तो ये हम लोग एक, दू, एक दूसरा फॉर्मूला होता है उसमें माइनस डी अपॉन एफ वन एफ टू का भी एक टर्म आ जाता है तो अभी फिलहाल के लिए उसको छोड़ दीजिए ये सिर्फ बिहार बोर्ड ही पूछ सकता है एक्चुअली हमारे सिलेबस में ये है नहीं बहुत पहले हुआ करता था बिहार बोर्ड को आज तक तो नहीं पता चला कि ये चीज बहुत पहले हटाया जा चुका है 2005 के बाद से ये चीज हट गया था पहले के एनसीआरटी में होता था ये लेकिन अब उसको तो बेचा, वो करता क्या है यार वो वो, क्वेश्चन बैंक उठाता है पिछले तीस चालीस साल का और कुछ पूछ देता है वो मैग्नेटोमीटर वगैरह भी पूछता है जो आज से दस पंद्रह साल पहले पूछा जाता था जो कि क्या नहीं बोनस में पूछा है तो तुमको बताना पड़ेगा लेकिन मैं बता दूंगा स्पेशली मैं बिहार बोर्ड के वालों के लिए बता दूंगा सीबीएससी वालों के लिए नहीं है इसीलिए मैंने अभी फिलहाल नहीं बताया तो इसमें भी बीच का सेपरेशन दिया है ना बीसमीटर तो भी भी तो तो कितना हो जाएगा अरे तो पी वैलेंट जोड़ के बताओ कितना हो जाएगा तो दस डायोप्टर होगा तो इसी का मतलब तो मतलब होता है वन अपन एफ वैलेंट तो दस डायोप्टर का मतलब क्या हो जाएगा पलट लेंगे तो मिला जुला के आप कर लीजिएगा ना की वैलन कितना आ जाएगा दस सेंटीमीटर हो जाएगा ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो ठीक है चलिए कह रहा है अ कन्वर्जिंग एंड अ डाइवर्जिंग लेंस तो आ, दोनों का फोकल लेंथ कैसा है इक्वल है बहुत बढ़िया प्लेस्ड को इन कॉन्टेक्ट तो कहने का मतलब कन्वर्जिंग लेंस है कि एक एक और इसी में सटा के रख दिया गया एक डाइवर्जिंग लेंस आप समझ रहे हैं अरे आप यकीन मानिए ये इसको छुपाइए ना तो ये डाइवर्जिंग लेंस नहीं दिख रहा है इसको छुपाइए तो ये कन्वर्जिंग लेंस दिख रहा है दोनों को चिपका के रखा हुआ है दोनों को तुम लोग बाहर जाएगा क्या ऐसे चिपका के रखा हुआ है अकौर है दोनों का फोकल लेंस सेम है तो अगर हम इसके फोकल लेंथ को f1 बोले इसके फोकल लेंथ को तो बाबू f1 अगर प्लस f होगा तो f2 क्या होगा तो माइनस अरे अरे कन्वर्जिंग लेंस के फोकल लेंथ को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा नेगेटिव हो जाएगा <coughs> तो प्लस f दूसरा हो जाएगा माइनस f अब हमसे क्या पूछ रहा है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन तो हम यह बात जानते हैं कि 1 f इक्विवेलेंट होता है 1 f1 1 f2 तो 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 ये ये को ही actually P equivalent बोला जाता है ये इन equivalent power होता है अरे तो होता कट गया ट तो हो जाएगा जीरो और इसी को पावर बोला जाता है तो पी इक् कितना हो जाएगा तो इसका कोई पावर नहीं है और इसके बारे में मैं आपको <coughs> कल बता रहा था वो याद है वो फोकस वाला चश्मा कुछ बता रहा था मैं आप छोड़िए ना हटाइए ना ये जो है ये ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इस टाइप का दिख रहा है जिसका ये वाला और ये वाला कर्व जो है वो एकदम सेम है तो कोई पावर नहीं होगा इसमें ठीक है कन्वर्जिंग ये भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ठीक है फाइंड द फोकल है अब ये बोल रहा है कि एक का f1 है दूसरे का f2 है तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है ये ना ये फाइंड करने को ना बोल रहा है तो हम लोग 1 f 1 g1 1 f1 1 as a करके फाइंड कर देंगे माने इसको डिराइव कर देंगे हम लोग हो जाएगा चलिए एक नंबर का है तो डेरिवेशन भी कोई बहुत लंबा चौड़ा थोड़े है किसी भी ऐसे तुमको दो नंबर दे देगा हाँ बाकी ये भी डेरिवेशन ही पूछा है तो हो जाएगा डेरिवेशन करना है आपको ठीक है बाकी आप ये देखिएगा सब न्यूमेरिकल डेटा दिया है आपको इसका बताना है चलो यहाँ आ जाते हैं हम लोग एक लेंस है क्या एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है और पावर कितना है पी है हमने उसको एकदम बीचों बीच काट दिया है बीचों तो बीच काट दोगे तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा ना तो तुमको बताना है कि बताना है कि इन दोनों इंडिविजुअल के फोकल लेंथ और पावर पर क्या असर पड़ेगा तो सबसे पहले तो यह बताओ कि पावर पर क्या असर पड़ेगा तो यह याद है कल मैं तुमको बता रहा था कि लेंस अगर एकदम सीमेट्रिकली आधा कर दिया जा जाए जा तो पावर भी पतला लेंस का पावर कम होता है तो पावर इसका हो जाएगा पी बाई याद आया ना इसके लिए आया था म्यू टू

कि क्यों ऐसा हुआ है कि फोकल लेंथ या पावर बदला है क्योंकि हम जानते हैं वन अपॉन फोकल लेंथ होता है म्यू माइनस वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू अब सुनिएगा हम इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं ये देखिए जो मटेरियल ये वही मटेरियल ये म्यू तो नहीं बदला जो आर वन इसका वही आर वन आर वन भी नहीं बदला लेकिन इसका आर टू कुछ और है इसका आर टू कुछ आर तो टू ना बदल गया इसीलिए फोकल लेंथ बदल जाएगा इसीलिए पावर बदल जाएगा अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो जो मटेरियल मटेरियल इसका इसका वही material, इसका, तो म्यू नहीं बदला लेकिन इसका आर वन ये है और इसका आर वन आर वन बदल गया कि नहीं भले आर टू नहीं बदला है लेकिन आर वन तो बदला है ना तो चूंकि आर वन बदल गया इसीलिए फोकल लेंथ बदल जाएगा फोकल लेंथ बदल गया का मतलब पावर बदल जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस केस में बताइए यहां पे हमने क्या किया है काटा तो है लेकिन ऐसे करके काट दिया अब आप बताइए क्या होगा इसके फोकल लेंथ को अगर हम एफ और पावर को पी बोले तो इसके फोकल लेंथ और पावर पे क्या असर पड़ेगा नीचे वाले के फोकल लेंथ और पावर पे क्या असर पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या बात कर रहे हो कैसे इतने होशियार हो गए हो तुम बता दोगे एक्सप्लेन कर दोगे बोल रहे हो कि नो चेंज मतलब इसका भी पावर पी होगा और फोकल लेंथ एफ होगा कौन एक्सप्लेन करेगा तो बताओ हाथ उठाओ मैं थोड़ा इधर से कुछ लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं अब सोच लीजिए आप लोग <coughs> कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा तुम करेगी हाँ बोलो क्या बाबू ये मतलब वो लड़की लॉजिकल आंसर दे रही है कि सर आपने कहा था कि पावर को पावर को अगर बदलना है तो लेंस पतला होगा तो पावर कम होगा लेंस मोटा होगा तो पावर ज्यादा होगा सर ऐसे काटने से ना ये मोटा हुआ ना ये पतला हुआ इसका मतलब पावर पर एकदम सही बात है लॉजिकल आंसर एकदम सही है यहाँ पर ये लड़का है बहुत इसके अंदर से इच्छा हो रहा था कि ताली बजाते हैं हम लेकिन फिर ये कुछ सोच के रुक गया है तुमको लगा है ना ताली बजाने का मन किया है ना नहीं 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 तुम झूठ मत बोलो ओए नहीं नहीं ऐसे मत करिए कौन इधर साड़ी लेके अच्छा छोड़ो हटा मैं कह रहा था बाबू की हाँ थोड़ा देख लीजिए मैं कह रहा था कि वो उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया लॉजिकल एकदम सही है लेंस की मोटाई पे फर्क नहीं न पड़ा है पावर पे भी फर्क नहीं पड़ेगा फोकल पे भी नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरा लॉजिकल आंसर यह हो सकता है कि फोकल लेंथ किन बातों पर डिपेंड करता है म्यू पर आर वन पर और आर टू पर आप बताइए ऐसे काट देने से जो आर वन इसका वही आर वन और वही आर वन इसका भी जा कहने का मतलब है जो जो म्यू इसका जो मटेरियल ये है काटने के का बाद भी मटेरियल तो सेम ही ना रहेगा तो जो म्यू इसका वही म्यू इसका और वही इसका तो जो म्यू इसका वही इसका जो इसका वो इसका जो आर टू इसका वही आर टू तो कहने का मतलब है इन तीनों में ना ही म्यू का अंतर है ना R1 का अंतर है ना तो ना फोकल लेंथ का अंतर होगा ना पावर का अंतर होगा इसका मतलब होगा कि ये भी पी और एफ रहेगा और ये भी पी और एफ ही रहेगा सही बोल रहे हैं अब हम क्या करते हैं ये जो दो, दो टुकड़े हैं ना इनको ना हम आपस में ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं मैंने इसका पावर पी था फोकल लेंथ था अब था पावर पी था अब आपको बताना है कि इक्वी कितना होगा पा, पावर हाँ हाँ अरे साटा हुआ है छोड़ो ना उतना का के लिए तो। वो साटा हुआ है चिपका हुआ है बोलिए पावर कितना होगा पार्टिसिपेट कर लीजिए क्या दिक्कत है पावर कितना होगा पावर डबल हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं कैसे बोला आपने ऐसा थिकनेस डबल हो गया अरे भाई थिकनेस आधा होता तो, तो पावर आधा हो जाता थिकनेस डबल हो गया तो पावर भी डबल हो जाएगा ऐसा है बिल्कुल लॉजिकल आंसर आपका सही है, है? दूसरी वजह यह है हाँ तो फोकल लेंथ आधा हो जाएगा ऐसा दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि ये तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि अगर कुछ लेंसेस को सटा के रखा जाए तो पी क्यूलेंट होता है पी वन प्लस आसान आंसर हो गया तो इसका पी इसका पी मिला जुला के पी क्यूवेलेंट टू पी नहीं हो जाएगा और पावर अगर डबल हुआ है तो फोकल लेंथ हो जाएगा आधा एफ बाई टू अच्छा इसको हम लोग रे डायग्राम से भी बता सकते हैं कोई रे अगर सीधा आएगा तो थोड़ा सा ये कन्वर्ट करेगा थोड़ा सा ये कन्वर्ज करेगा नहीं समझे ये अकेला होता तो कहीं दूर ना कन्वर्ज करता नहीं बोलोगे ये अगर अकेला होता तो कहीं दूर कन्वर्ज करता और फोकल लेंथ ज्यादा होता अरे बोलिए लेकिन इसके आ जाने से कन्वर्जेंस इसका बढ़ गया तो जो फोकल लेंथ कहीं यहां होना चाहिए वो यहीं पर ना है तो आपको नहीं लग रहा फोकल लेंथ कम हुआ है और ये सिस्टम पहले से ज्यादा पावरफुल हुआ है जितना ज्यादा कन्वर्ज कर दे ये सिस्टम उतना ज्यादा पावरफुल है तो पावर डबल हो गया फोकल लेंथ इसका आधा हो गया पहले ही कन्वर्ज कर दे रहा है इस पर थोड़ा चर्चा करिए तो अरे ये वही है फोकल लेंथ है फोकल लेंथ है पावर कितना पी पावर कितना पी बताइए बोलिए चलिए यहाँ बोलिए पावर क्या लग रहा है वो हाँ पी पी सटा के रख दिया गया टू पी टू पी नहीं जीरो आप बोलना चाह रहे हैं क्यों जीरो बोलना चाह रहे हैं अब सुनिए क्यों जीरो इसका सही आंसर क्या होगा जीरो होगा हमने ये पढ़ा है कि कन्वर्जिंग uh, लेंस जो होता है दोनों कन्वर्जिंग लेंस ही कोई डाइवर्जिंग लेंस नहीं है इसमें लेकिन प्रॉपर्टी जो होगा ना दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि ना हमने जो रख दिया है। तो कहने का मतलब है कि, की तरफ मोड़ता है तो हुआ क्या कि कोई रेज सीधा आया तो इसके लिए प्रिंसि एक मिनट रुकी थोड़ा सा रे को ऐसे मत भेजिए रे को ऐसे भेजिए तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ ना है तो ये उधर की तरफ मोड़ देगा अरे अरे यार लेंस का नीचे वाला हिस्सा है और तुम बताओ लेंस का नीचे वाला हिस्सा क्या करता है रे को प्रिंसिपल ही ना है तो ऐसे मोड़ेगा अब आप बताइए इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस ना होगा तो ये 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 अपने प्रिंसिपल की तरफ किधर मोड़ेगा इधर बताइएगा और चूंकि दोनों लेंस सेम पावरफुल है इसका मतलब जितना डिग्री है इधर घुमाएगा उतना ही डिग्री है इधर घुमाएगा अब पता चलेगा रे कहा चला गया सीधा ऐसा सीधा चला गया यानी ये कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा ही नहीं कोई रे सीधा आया थोड़ा सा फिर सीधा ही चला गया तो उसका पावर कितना कोई पावर नहीं है इसमें फोकल पीवेलेंट हो, तो इस, हो जाएगा जीरो और एफ इक्ट हो जाएगा इनफाइनाइट सही है चलिए ठीक है आ, यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक ही लेंस है लेकिन उसमें तीन तीन मटेरियल यूज हो गया है अपर पार्ट बना है कुछ म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से ये बीच वाला पार्ट बना है कुछ म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले से और ये सबसे लोअर पार्ट बना है कुछ म्यू थ्री रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले से ठीक है तो आपको ये बताना है कि अगर इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखें बोलिए क्या रखें ऑब्जेक्ट रखें तो इसका कितना इमेज बनेगा एक बनेगा दो बनेगा तीन बनेगा पचास बनेगा या अगर हम इस सिस्टम का फोकस देखें तो इस सिस्टम का कितना फोकस होगा अच्छा ये मत बोलना दो फोकस एक उधर और एक इधर नहीं रे को आप एक ही साइड से भेज रहे हैं अरे रे को आप इधर से भेज रहे हैं तो फोकस उधर ही ढूंढना है हमको तो उधर में बताना है कितना फोकस होगा एक ही कोई फोकस होगा दो होगा तीन होगा कितना होगा बोलिए सवाल पूछने के दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका कि सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका इमेज कॉगो बनेगा और दूसरा तरीका कि इस सिस्टम का कितना फोकस होगा तो जो लोग कुछ सोच पा रहे हो बताइए बोलिए आपको लग रहा है कि तीन होना चाहिए ऐसा लग रहा है सबको इसका सही जवाब है इसका सही जवाब है कि इसका सिर्फ तीन फोकस होगा <laughs> इसका तीन फोकस होगा समझा रहा हूं समझा रहा हूं कैसे समझा रहा हूं कैसे वन अपन फोकल लेंथ म्यू माइनस वन इंटू, वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू अब आप बताइए ये जो तीनों हिस्से आपको दिख रहे हैं ये ये और ये उसमें जो आर वन इसका है अरे सब लोग देखो इधर जो आर वन इसका है वही अरे सेम ही ना है तो जो आर वन इसका वही इसका वही इसका जो आर टू इसका वही इसका वही इसका अरे हाँ तो बोलो तो कहने का मतलब है कि तीनों का R1, R1, R1 सेम। तीनों का R2, R2, R2 सेम। लेकिन तीनों का म्यू तो नहीं ना सेम तो म्यू के बदल जाने की वजह से तीनों का फोकल लेंथ भी बदल जाएगा ये ऊपर वाला कहीं और फोकस करेगा ये कहीं और, और ये कहीं और अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने हम लोगों ने बाबू इसको तो प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिए हम लोगों ने एक रे को यहां से भेजा ना तो हो सकता है कि ये कहीं ये यह कहीं यहां फोकस करे हला नहीं हमने अगर यहां भेजा तो हो सकता है ये यह कहीं यहां फोकस कर दे अरे सुन रहे हो तीनों सिस्टम का सॉरी तीनों हिस्से का फोकल अलग, अलग आएगा अलग अलग फोकस आएगा हो सकता है यहां भेजेंगे तो ये कहीं यहीं पर कन्वर्ज कर दे तो बताओ कितना फोकल लेंथ आ गया तीन गुना आ गया अरे बोलिए अगर फोकल लेंथ तीन आ गया तो इमेज कितना बनेगा अगर आप सामने ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो क्योंकि हम जानते हैं वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्व टू वन अब ये अपना इमेज कहीं और बनाएगा जो भी रेज ऑब्जेक्ट से निकल के इसके पास जाएंगी ये उनका इमेज कहीं क्योंकि इसका फोकस कहीं और है ये अपना इमेज कहीं और बनाएगा और ये अपना इमेज तो इस सिस्टम का तीन तीन फोकस है और तीन तीन इमेज बनेगा क्लियर है अरे बोलिए जल्दी कुछ पूछना चाह रहे हो ये समझ में आ रहा है चलो ठीक है ये बताओ इस सिस्टम का कितना फोकस है और सामने ऑब्जेक्ट रखे तो कितना इमेज बनेगा कितना है सिर्फ दो क्या बात करते हो यार ये ये ऊपर वाला कुछ और मटेरियल ये कुछ और ओ माय गॉड ये ऊपर वाला नीचे वाला सेम मटेरियल है तो इन दोनों का फोकल सेम होगा का मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां पर रे भेजिएगा और यहां कन्वर्ज करेगा ना तो यहां पर भेजिएगा तो हो सकता है ये कहीं दूसरी जगह यहां कन्वर्ज कर दे लेकिन यहां पर रे भेजिएगा तो सेम ही जगह कन्वर्ज करेगा कितना फोकस आया सिस्टम का दो फोकस आया कितना फोकस आया दो आया अरे ऊपर वाला नीचे वाले का तो एक ही ना होगा तो इसके सामने ऑब्जेक्ट भी रखिएगा तो कितना इमेज बनेगा दो ही इमेज बनेगा इसका सही आंसर है दो पिछले वाले का सही आंसर क्या था तीन था ठीक है चलिए ये एक सवाल है तो इसमें हम लोग ना इस वाले हिस्से को थोड़ा भी काट देंगे नेग्लेक्ट करके चलेंगे इसकी वजह से प्रॉब्लम होगा और वैसे भी अगर ये बिल्कुल थीन लेंस है तो ये वाला हिस्सा एकदम नेग्लेजिबल होगा वैसे भी नेग्लेक्ट करिएगा अब आपको दिख रहा होगा कि लेंस में हमने जो मटेरियल यूज किया है पिछली बार ऐसे ऐसे ना डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज किया था अब की बार ऐसे ऐसे ये वाला हिस्सा किसी म्यू वन से बना है ये किसी म्यू टू से और ये किसी म्यू थ्री से बना है तो आपको बताना है कि यहां सिस्टम का कितना फोकस है कितना है, है? सिस्टम का सिर्फ एक ही फोकस है यहाँ भी तो तीन मटेरियल यूज हुआ है और यहाँ तुम सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो सिर्फ एक ही इमेज बनेगा क्या बात कर रहे हो आओ हम लोग देख ले अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ही बनेगा एक ही और कितने लोग कह रहे हैं कि सर लग रहा है कि तीन बनना चाहिए यहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है नहीं हाथ उठाओ एकदम कॉन्फिडेंटली कभी कभी आदमी <laughs> पूरी क्लास में अकेले भी सही होता है तो आइए हम यहाँ देख लेते हैं क्या होगा ठीक है <laughs> क्या बात करते हो यार <coughs> होता है कभी कभी वो टॉपर लोग लोग जानते हैं ये बात समझ रहे हो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा ये देखिए इधर क्या हुआ ना बाबू कि जब रे यहाँ से होके गुजरेगा तो उसको कितने मटेरियल्स मिलेंगे तीन पहले म्यू म्यूटू और तो एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इसको बांटते हैं यहां पर यहां एक हिस्सा ले लेते हैं एक हिस्सा हम कहीं यहाँ ले लेते हैं और एक हिस्सा कहीं यहां ले लेते हैं तो एक बात बताइए इसका आर वन इस वाले हिस्से का आर वन और इस वाले हिस्से का आर वन सेम है कि नहीं नहीं समझे ना फिर से सुनो मैंने थोड़ा सा एक पट्टी टाइप का ऐसे ही कंसिडर किया है तो इस पट्टी में तीन डिफरेंट लेंसेज ना यूज हुई है अरे ये लेंस ही ना है, है, तो है। बोलिए जल्दी है? है तो उसका एको पार्ट निकाल लोगे तो पिज्जा ही ना रहेगा बर्गर नहीं ना हो जाएगा तो मैं वही कह रहा हूं कि भले ये पूरा एक लेंस है लेकिन छोटा सा ये जो हिस्सा ही वो भी तो लेंस ही ना है तो इस लेंस इस लेंस और इस लेंस का बताइए r1 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 सेम है बोल रहे हैं हां आप पागल हैं r2 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 सेम और मटेरियल 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 सेम अरे μ1 पूरा तो तुमको नहीं लग रहा है कि इसका फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ भी सेम इसका पावर इसका पावर इसका पावर भी सेम समझ में आया तो ये p1 तो ये भी p1 तो ये भी p1. अब अब बताइए ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है ये वाला ये वाला ये वाला और कौन तब बताओ बताओ जल्दी आर वन आर वन आर वन सेम आर टू आर टू मटीरियल 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 आपको नहीं लग रहा है अगर हम हम सिमिलर कॉन्सेप्ट इसके लिए कहें दिस दिस एंड आर वन आर वन आर वन सेम R2, R2, R2. के ही कर्व है भाई आर टू सेम मटीरियल 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 सेम तो नहीं लग रहा एफ थ्री एफ थ्री एफ थ्री भी सेम पी थ्री पी थ्री पी थ्री भी सेम तो कहने का मतलब हुआ कि जो रे जो रे नहीं नहीं जो रे गर्मी लग रही है क्या ठीक है क्या बोल रहे हो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कल से नहीं काटेगा बाबू एक मिनट थोड़ा मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए उसके बाद मैं कह रहा था कि जो रे यहां से होके गुजरेगा उसको तीन लेंसेस मिलेंगी जिनका पावर है पी वन पी टू और पी थ्री नहीं समझे जिनका फोकल लेंथ टू और F3। तो जो रे यहां से होके गुजरेगा रे उसको भी तो वही ना तीन लेंस मिलेगा P1, P2, P3, F1, F2, F3 वाला जो यहां से होके गुजरेगा उसको भी वही तीन मिलेगा अरे जल्दी बोलिए ना तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फोकल फोकल लेंथ लेंथ इस कॉम्बिनेशन का length, सेम होगा कि नहीं यानी ये सारी की सारी रेज अगर मान लीजिए कि हम इनको हम इसको क्या मान ले बताओ ना प्रिंसिपल एक्सिस मान लें तो ये वाला रे जो है ये भी वही कन्वर्ज करेगा ये भी वही कन्वर्ज करेगा और ये भी वही कन्वर्ज करेगा क्योंकि तीनों को तो रास्ते में एक माने एक ही टाइप का ना कॉम्बिनेशन मिला है इसको ही मिला P1 P2 P3 का इसको ही मिला P1 P2 P3 इसको भी वही मिला आप समझ रहे हैं तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम का सिर्फ कितना फोकस होगा एक ही फोकस होगा तीन फोकस नहीं होगा हाँ बोलो हाँ बोलिए क्या रोना टू आप कहना चाह रहे हैं कि इसका ये और ये मैं नहीं समझा आप पहले किसकी बात कर रहे हैं क्या हम इसमें 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 डिस्कस करें हाँ ठीक है तो आप कहना चा... अच्छा ये ये और ये तो सेम है ना मैंने इन तीनों का आर वन से इतना समझ में आया आर टू में दिक्कत है आर टू में दिक्कत है चलो कोई बात नहीं है कहने का मतलब है कि अगर ये एक पूरा सर्कल होगा और यहां मान लीजिए सेंटर होगा है तो अगर मैंने छोटा सा हिस्सा यहां ले लिया तो इसका रेडियस यही ना होगा और मैंने छोटा सा हिस्सा यहाँ ले लिया इसका रेडियस क्या ज्यादा कम हो जाएगा ज्यादा या फिर कम हो जाएगा अरे भाई एक ही कर्व ना है तो इस पूरे कर्व का कहीं एक ही जगह सेंटर होगा तो रेडियस तुम यहां से ना पूछे यहां से ना पूछे सेम ही ना आएगा तो कहां से टू सेम हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं समझ में आया और इसके सामने अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो कितना इमेज बनेगा सिर्फ एक अब देखिए ये जितना कुछ भी हमने डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से समझा ना जितना भी हमने ये डिफ्रेंट डिफ्रेंट तरीकों से समझा अब वो सब भूलिए और एक बात बस याद रखिए वो एक बार में हम लोग बता देंगे कि कितना नंबर ऑफ इमेज या कितना फोकस होगा और बात ये है कि आप ना आप आप रेज भेजिए ढेर सारी और सबसे निकलते टाइम पूछिए कि रास्ते में तुमको कौन कौन मिला था मटेरियल के रूप में जितने डिफरेंट आंसर्स होंगे उतना ही फोकस होगा उतना ही इमेज बनेगा तो आइए और बताइए जितने लोग यहां एंटर करेंगे पचास लोग एंटर करें चाहे एक लाख लोग एंटर करें लेकिन जितने लोग यहाँ एंटर करेंगे उनसे पूछा जाएगा कौन मिला था तो वो लोग क्या बोलेंगे सब एक ही जवाब आएगा म्यू जैसा अभी जवाब आया था क्या म्यूंस ऐसे ही सब लोग चिल्ला के बोलेगा मीवन भले पचास लोग बोला लेकिन बोल तो एक ही आंसर ना रहा है मीवन ये लोग ये लोग क्या बोलेंगे ये लोग क्या बोलेंगे टोटल डिफरेंट टाइप के कितने जवाब मिले इसका मतलब इस सिस्टम का तीन को फोकस हो गया, नहीं समझ इस में आया इसमें इसमें आओ इसमें आओ बाबू ढेर सारी रेस भेजो तुम ढेर सारी एकदम मन भर रेस भेज लो बताओ टोटल डिफरेंट टाइप के कितने आंसर आएंगे ये सारे लोग क्या बोलेंगे और ये सारे लोग भी तो इनको हम डिफरेंट आंसर बोलेंगे तो म्यू वन एक आंसर आएगा और एक आंसर आएगा म्यू टू दो डिफरेंट आंसर दो फोकस सामने ऑब्जेक्ट रखोगे दो इमेज यहाँ बताओ बच्चों यहाँ यहाँ बताओ इस, इस इसको अभी हमको नेग्लेक्ट करना है ना नहीं तो आंसर बदल जाएगा हाँ वो बताओ ढेर सारी रेस को हमने भेजा अब सबसे पूछो तो इससे पूछो कि तुम जब जा रहे थे कौन मिला था क्या बोलेगा अरे क्या बोलेगा म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री ये क्या बोलेगा म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू वन म्यू अरे सब का एक ही ना आंसर आ रहा है क्योंकि सब का आंसर है सेम इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का फोकल सिर्फ एक ही होगा क्या बाबू हाँ उससे आंसर बदल जाएगा कैसे बदल जाएगा समझिए जो रे यहाँ एंटर करेगा और जो यहाँ एंटर करेगा वो क्या बोलेगा वो तो बोलेगा कि हमको रास्ते में सिर्फ क्या चलिए इसके शांत हो जाइए ना इस पर भी एक आंसर तब तो आप बताइए फंसाने के लिए भी दे सकता है कि अब जब हम ढेर सारी रेस को भेजेंगे टोटल डिफरेंट टाइप के कितने आंसर्स मिलेंगे दो यहां से लेकर यहां तक तो जो लोग एंटर किए थे वो सब लोग बोलेंगे म्यून म्यू टू म्यूधरी म्यू हा ये क्या बोलेगा ये बोलेगा जा हमको तो खाली म्यूटू मिला था ये भी बोलेगा हमको खाली म्यूटू में आप समझ रहे हैं ना इसीलिए मैंने ऊपर वाला नीचे वाला रंग दिया था ताकि आंसर को मैं ये कर सकूँ क्लियर है चलिए तो जब इतना आप समझ गए हैं तो आप इसका आंसर बताइए फिर आप लोग घर जाइए आराम से सोच के देखिए इतना सब पढ़ने लिखने के बाद अगर हम गलत बताएंगे तो आप यकीन मानिए ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी क्या बोल रहे हो दो चार, कितने लोगों का दो आ रहा है दो लोगों का दो आ रहा है क्या बात है कितने लोगों का चार आ रहा है चार में ज्यादा लोग हैं नहीं सा, सारे लोग नहीं है कितने लोगों का आंसर है सिर्फ एक एक किसी का नहीं दो कुछ लोगों का है तीन कितने लोग हैं? तीन अच्छा तीन में भी कुछ लोग हैं वेरी गुड तीन में भी कुछ आप ट्राई कर रहे हैं यही काफी है मेरे लिए पांच बताइए पांच क्योंकि म्यू फाइव तो गया है मामला पांच बताइए पांच बताइए चलिए ठीक है मैं इसका सही आंसर बता देता हूं इसका सही आंसर है चार इज द सही आंसर और आइए देखते हैं अरे यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है कॉन्सेप्ट बस इतना है कि एक काम हमने ये किया कि हमने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इसको ऐसे क्यों किया ये आप समझ जाइएगा आराम से जब आप ऊपर से नीचे तक ढेर सारी रेस को ऊपर से नीचे तक ढेर सारी रेस को भेजिएगा कितने आंसर आपको मिलेंगे ये समझिएगा जो लोग यहां एंटर करेंगे वो लोग क्या बोलेंगे म्यू वन फर बोलेंगे तो म्यू फर एक आंसर आया जो लोग यहां एंटर करेंगे वो म्यू टू म्यू फर ना बोलेंगे तो म्यू टू और म्यूफोर कितना आंसर आया ये दूसरा आंसर आया जो लोग यहां एंटर करेंगे तो ये ये तो म्यू थ्री वाला ना है तो म्यू थ्री म्यू फोर ये डिफरेंट टाइप का आंसर हो गया तो उसको भी आप लिख लीजिए म्यूथ्री और म्यू फोर हाँ बाबू एक मिनट एक मिनट एक मिनट में एक आदमी को तुम बोल रही हो हाँ म्यू वन और ओ जा 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 सॉरी सॉरी ये ये बोल रही हो सॉरी सॉरी माई एलो पॉजी ठीक है। अरे मैं जानता हूं कि एपोलॉजी होता है ठीक है इधर देखिए मैं कह रहा था शांत रहिए कि यहां से जो लोग एंटर करेंगे उनको क्या मिलेगा म्यू वन म्यू फोर यहां जो लोग एंटर करेंगे उनको म्यू टू म्यू अरे पूरा म्यू फोर ही ना ये यहां जो लोग एंटर करेंगे म्यू थ्री और म्यू फोर ये तीसरा और जो लोग यहां एंटर करेंगे म्यू थ्री और ये समझ गए तो इसका मतलब हुआ कि टोटल डिफरेंट चार टाइप के आंसर मिले इसका मतलब हुआ कि इसका चार फोकस होगा सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो चार इमेज बनेगा सही है तो ये बिहार बोर्ड ने कभी पूछा था 2013 में बता दो बता दो कितने फोकस या कितने इमेज दो क्योंकि जो लोग यहाँ एंटर करेंगे वो क्या चिल्लाएंगे म्यू वन म्यू टू और जो लोग यहाँ एंटर करेंगे वो म्यू थ्री म्यू फोर बस दो ही डिफरेंट टाइप का आंसर इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका दो हो जाएगा ठीक है जाइए हम लोग कल मिलेंगे